रास्ता दे दो यार। शिवाजी तमाम जानते हैं, पीछे आ जाओ यार। पीछे यार, पीछे आ जाओ सुभाष भाई, आप भी आ जाओ, सबसे आगे आप हो, आ जाओ पीछे। देखिए, आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश आज़ादी के बाद और हिमाचल प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ी त्रियास्ती के ज़रिए गुजर रहा है। बहुत नुकसान हुआ है हिमाचल प्रदेश का और हिमाचल प्रदेश की जनता बहुत पीड़ा के दौर से गुजर रही है, बहुत दर्दनाक है। और इस प्रकार के हालात भी हैं, अगर राहत नहीं मिलेगी तो हम समझते हैं एक ऐसा दौर भी संभव है जिसको नकारा नहीं जा सकता है, जहां पर बड़े पैमाने पर आत्महत्या होने की भी संभावना है। हमने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महोदय को विनती की है उनसे कि देश के प्रधानमंत्री से जिस भी रूप में, निजी तौर पर या संविधान के तहत जो भी तौर तरीका वो उचित समझते हैं, हमारी दर्द और हिमाचल प्रदेश की पीड़ा को उनके दरबार तक पहुंचाएं। और राज्यपाल महोदय ने ईमानदारी से, हम आपसे साझा कर रहे हैं, बहुत पेशेंट हेयरिंग दी, हालांकि एक ऐसी टिप्पणी भी की उन्होंने कि छोटी छोटी पार्टियां और वादे बहुत बड़ी बातें कह रही है, लेकिन हमने उनको समझाने की कोशिश की है कि ये जो पीड़ा हिमाचल प्रदेश की है, उस पीड़ा की वजह से छोटी पार्टियां भी बड़ी बात कहने के लिए मजबूर हो रही है, क्योंकि जिस रूप में रुपया पैसा मदद भारत सरकार से मिलने की आशाएं थी वो दुर्भाग्यपूर्ण मिल नहीं पाई। हमने इस बात का भी जिक्र किया है कि सन 2000 के अंदर हिमाचल प्रदेश के विधानसभा में जो हमारा हिमाचल प्रदेश रेवेन्यू लैंड रेवेन्यू एक्ट है 1954 का, उसमें संशोधन किया गया, 163A धारा को शामिल किया गया जिसके तहत 1,67,000 जो किसान हैं हिमाचल प्रदेश के, जिनकी अपनी सटी हुई ज़मीन के नज़दीक फॉरेस्ट लैंड पर कब्ज़ा था, वो और उस ज़मीन पर उन्होंने आज मकान बना दिया है, बाग बगीचे लगा दिया, खेती करते हैं, वो मसले को भी हमने कहा कि उस फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ये काम सिर्फ भारत सरकार कर सकती है, ऑर्डिनेंस लाकर उस उन ज़मीनों को लीगलाइज करे। किसान ने उस समय ये मान लिया था कि वो उसके ओनर है, क्योंकि जब कानून विधानसभा से पारित हो जाते हैं तो ये सब मानेंगे कि भाई वो कानून अब लागू होगा, और लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वो कानून कोर्ट में चैलेंज हो गया था और वो कटान और मकानों की बिजली पानी और गिराने का कार्य भी शुरू हो गया था। लेकिन ये अच्छी बात है कि सन 2018 में हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट ने स्वयं इस बात को कहा कि सरकार को नीति बनानी चाहिए और 5 बीघा अपना और 5 बीघा जो ऐसी भूमि है जिस पर उसका कब्जा है वहीं तक ये सीमित होना चाहिए। और इसलिए हमने राज्यपाल महोदय से विनती की है कि भारत सरकार ऑर्डिनेंस लाए और वो जो हाई कोर्ट की मंशा है उस मंशा के तहत वो ऑर्डिनेंस आए जिसे लीगल।
आप जानते हैं कि आज हजारों हजार लोग होंगे हिमाचल प्रदेश में जिनका खेत चले गया है, बाग बगीचा खलियान चले गया है, उसको एक नया पैसा नहीं मिलने वाला है मकान का। हालांकि ये जो नोटिफिकेशन सरकार ने की है पार्शियल लॉस के लिए, जो मकान आज 11,000 को पार कर चुके हैं, अगर वो ऐसी ज़मीन पर बसे हैं एक नया पैसा नहीं मिलने वाला। तो इसलिए ऐसे लोगों को कहाँ से राहत मिलेगी? वो तभी मिल पाएगी जब कानून उसके पक्ष में बनाया जाएगा। वो भारत सरकार ही उस ऑर्डिनेंस को ला सकती है, ये भी हमने विनती की है। और आखिरी बात हम आपसे शेयर करना चाह रहे हैं, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, दूध का दूध पानी का पानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भ्रमित कर कर लोगों की पीड़ा को दूर नहीं किया जा सकता। हम बहुत क्लियर इस मामले को लेकर, और जो पिछले कल जगत प्रकाश नड्डा जी भी आए थे, उन्होंने जो घोषणा की कि 200 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश को राहत के रूप में दिया जाएगा, मैं माननीय नड्डा जी को से विनती करना चाहता हूँ कि वो 200 करोड़ रुपए की जो घोषणा की है आपने, वो भी एडवांस पैसा है। काय का है? वो है जो NDRF का पैसा है। मैं सेब अपना आरती को बेचता हूँ और उसे मैं अगर एडवांस पैसा ले लेता हूँ, पहले पैसा ले लेता हूँ, तो वो कोई आरती मुझे फेवर नहीं कर रहा है, वो उस पैसे का दाम है जो मैं बाद में देता हूँ, पैसा पहले आ जाता है। तो यही राहत के रूप में आया है, जो 380 करोड़ रुपया हमें SDRF में मिला है वो वही पैसा है जो 15th फाइनेंस कमीशन ने हमें सन फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए निर्धारित किया था। उसमें राहत क्या मिली है? एक किस्त 180 करोड़ की वो एडवांस में दे दी है, वही राहत है। एडिशनल पैसा, एक नया पैसा नहीं मिला है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि जब तक एडिशनल पैसा नहीं आएगा, हम हिमाचल प्रदेश को जिस रूप में था 83 से पहले, उसको उस रूप में रिस्टोर नहीं कर पाएंगे, ये दिखती बात है। और इसलिए हमारी दर्द क्यों बढ़ती है? हमारी दर्द इसलिए ज़्यादा बढ़ती है जब उत्तराखंड को आप दे सकते हैं पुराने समय में, आंध्र प्रदेश को आप दे सकते हैं, गुजरात को दे सकते हैं, महाराष्ट्र को दे सकते हैं, तो हिमाचल प्रदेश की जनता ने क्या गुनाह किया है? हमारा दोष बताइए। अगर आप हमारा दोष बताएंगे तो तब हम उसको मान लेंगे कि अगर गलती हो गई हमारे से, उसकी इतनी बड़ी सज़ा नहीं मिल सकती अगर हमने गलती भी की है। इसलिए हम दोबारा विनती करना चाहते हैं भारत सरकार से कि हमारा दुख दर्द समझो, हमारी कुर्बानियों को भी ख्याल में रखो, और उस कुर्बानी को ख्याल में रखते हुए, चाहे सरहंद की कुर्बानी है या ये जो जंगल हमने कुर्बान कर दिए हैं, ये सारे इसकी संपत्ति हमने भारत सरकार के पास दे दी है, तो इसका ख्याल रखें। अगर ये संपत्ति हमारे पास होती तो शायद हमें भारत सरकार से अपील करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इसकी संपत्ति हमारे पास नहीं है। इसलिए हमने अपील की है और अभी भी हम आशा उम्मीद रख रहे हैं कि क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश देश के प्रधानमंत्री का अपना ही घर है, दूसरा घर कहें या पहला घर वो तो मैं कह नहीं सकता, तो इसलिए वो निश्चित रूप से उसका ख्याल रखते हुए जो हमें ये मिल रहा है, ये जो ये हमें जो रिलीफ देनी है, राहत मिलनी है, वो राहत को दे। और आखिरी बात है, हमने ये भी अपील की है कि जो NDRF के मापदंड है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड जो हमें मिलता है, वो ख्याल करें, अगर आपको 100 रुपये का नुकसान है तो 100 रुपये की पूर्ति नहीं करता है NDRF, वो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये का पूर्ति करता है। हमने कहा है कि आप एक दफा के लिए हमें राहत दे दीजिए, और वो राहत इस रूप में है, जो एक्चुअल लॉस, जो एक्चुअल नुकसान जो हुआ है
उसका पैसा हमें दे दें। अगर 10,000 करोड़ रुपए का एक्चुअल लॉस हुआ है तो वन टाइम रिलीफ के रूप में 10,000 करोड़ रुपया दिया जाए। अदरवाइज हमें क्या मिलेगा 10,000 करोड़ में? 10,000 करोड़ में जो 10% 10,000 करोड़ का कितना 1,000 करोड़ रुपया ही हमें मिल पाएगा, उससे हमारी पूर्ति नहीं हो पाएगी। अगर ये रास्ता नहीं इख्तियार करना है तो फिर एक पैकेज दिया जाए जिसमें उसकी वो जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति होने में सक्षम हो। Thank you.